आजकल इस टाइप की फिल्में आती नहीं है, इसीलिए इस टाइप की फिल्में मुझे रिलीज करना और प्रोड्यूस करना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी क्या आपको उम्मीद है कि दर्शक कितना ज़्यादा इस फिल्म को पसंद करेंगे और क्यों करेंगे, अगर करेंगे तो? देखो, मैंने इस फिल्म को वैसे भी रिलीज करने के लिए तो मैंने ए क्लास सेंटर के लिए सोचा ही नहीं है, बी और सी क्लास सेंटर के लिए सोचा है, तो उस हिसाब से फिल्म अच्छी जाएगी। और काफ़ी लैंग्वेज में इसको रिलीज करने वाले हैं हिंदी के अलावा? नहीं, ब्लैक फ्यूचर तो अभी हिंदी में ही रिलीज करने वाले हैं। हाँ, अगर हिंदी में अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम फिर उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब भी कर सकते हैं। विषय काफ़ी गंभीर है, मतलब अगर औरतें ना हो तो क्या होगा, ये विषय दिया है जी। देखो सर, इसी वजह से ही ये फिल्म लेने का भी रीज़न ये है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट होने की वजह से मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि कॉमन फिल्में तो डेली आती रहती है और हम लोग रिलीज करते रहते हैं और रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिलता ना, ऑडियंस देखती है, फिल्में फ्लॉप होती है और प्रोड्यूसर लॉस में जाते हैं, तो दर्शकों तक हम इस टाइप की कुछ अलग कहानियाँ हम पेश करें ताकि ऑडियंस को पसंद आए, ऑडियंस देखे फिल्में। सर वैसे तो प्लान ऑल इंडिया का है, लेकिन पहले फर्स्ट हमारा है कि मेन बॉम्बे हमको टारगेट है, बॉम्बे और प्लस हमारा दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, ईस्ट पंजाब है, हमारा CPCI राजस्थान है, ये पहले हम लोग टारगेट करेंगे सर। बाकी वेस्ट बंगाल हो गया हमारा, जैसे आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, इसे हम बाद में टारगेट करेंगे, अभी नहीं। स्टार कास्ट की बात करें, कौन से स्टार कास्ट हैं, क्या अनुभव है उनका, बताइए। देखो सर, सब इसमें थिएटर आर्टिस्ट है एक्चुअल में, और मैं सोचता हूँ कि थिएटर आर्टिस्ट को भी चांस मिलना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब तक वो थिएटर तक होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब बॉलीवुड में एंट्री हो जाए तो और भी अच्छी बात हो जाती है। आपसे सर आप बताइए, सर मैं तो बराज जी के एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है सतरंगी, उसके साथ जुड़ा हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक मेरी मूवी आ रही है ब्लैक फ्यूचर, तो मैं इनकी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मैं काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है ट्रेलर से, सो आई विश देम। और हमारे टीम के मेंबर ही है, क्योंकि मैं सतरंगी में मैं भी को प्रोड्यूसर हूँ उसमें, तो हमारी एक ही टीम है। विकास जी हैं, रोडीज विनर हैं, अभी बिग बॉस में भी जा रहे हैं, और हमारे पिक्चर के प्रमोशन के लिए और अभी जो है सतरंगी फिल्म बना रहे हैं उसके मेन लीड हीरो हैं। तो और फिर क्या कहना चाहेंगे, जितने फिल्म आपने प्रोड्यूस किया या डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि आजकल फिल्में बनाना आसान हो गया है, लेकिन रिलीज करना बहुत मुश्किल है। काफ़ी फिल्में आज देखोगे तो आप बहुत फिल्में डब्बे में पड़ी हुई हैं जो रिलीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि फिल्में रिलीज़ करना बहुत बड़ी बात है, और ये